महर्षि रमण, मनुष्य के कर्म अगले जन्म में उसे प्रभावित नहीं करते क्या? क्या इस समय आपका जन्म हुआ है? दूसरे जन्मों के बारे में क्यों सोचते हैं? सच यह है कि जन्म मृत्यु नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है वह भले ही मृत्यु के बारे में सोचे और उसका निवारण अवश्य करे। साधक पूछता है, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है? महर्षि रमण उत्तर में कहते हैं, वर्तमान जीवन में चित्त को पिरोए रहिए तो भविष्य स्वयं संभल जाएगा। भविष्य की चिंता मत कीजिए। सृष्टि से पहले क्या था इसका तथा सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में इसलिए किया गया है कि आप वर्तमान को ठीक से जान लें। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपका जन्म हुआ है, वे कहते हैं हाँ ईश्वर ने आपको बनाया है, लेकिन नींद में आप ईश्वर या अन्य कुछ देखते हैं। यदि ईश्वर सत्य हो तो वह नींद में आपके समक्ष प्रकट होकर अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता? आप हमेशा होते हैं जो आप नींद में थे, वही आप अब भी हैं। नींद में जैसे थे उससे भिन्न आप नहीं हैं। तो फिर इन दो अवस्थाओं की संवेदना एवं अनुभव भिन्न क्यों है? नींद के दौरान आप अपने जन्म के बारे में प्रश्न पूछते थे। क्या आप ऐसे पूछते थे कि मरने के पश्चात मैं कहां जाऊंगा? अब जागृत अवस्था में इन सारे प्रश्नों को क्यों पूछते हैं? जिसने जन्म लिया हो उसे ही अपने जन्म के विषय में, उसके निवारण के उपाय के विषय में, उसके कारण एवं परिणाम के विषय में सोचने दीजिए। साधक फिर पूछता है, मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है? महर्षि रमण मुस्कुराते हुए फिर उत्तर देते हुए कहते हैं, जो अभी जीवित है उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मरा हुआ जीव यदि चाहे तो यह सवाल मुझसे पूछ सकता है, लेकिन देहधारी जीव को तो इस समय वर्तमान प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहिए कि वह भला है कौन। तब इस प्रकार के संदेहों का अंत हो जाएगा। साधक एक लंबी सी प्रश्न फिर पूछता है कि महर्षि रमण, अविच्छिन्न रूप से रहने वाली व्यक्तिगत जीव कहीं जाने वाली किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है? ऐसा बौद्ध मत क्या सही है? पुनर्जन्म लेने वाले अहंकार की हिंदू मान्यता से यह मेल खाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अविच्छिन्न रूप से रहने वाली तथा बार बार जन्म लेने वाली जीव नाम की कोई सत्ता वस्तुतः है अथवा केवल संस्कारों का समूह है? महर्षि रमण फिर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सत्य आत्मा अविच्छिन्न रूप से रहने वाली तथा अप्रभावित रहने वाली है। पुनर्जन्म लेने वाला अहंकार निम्न स्तर अर्थात वैचारिक स्तर पर रहता है एवं आत्म साक्षात्कार से मनुष्य उससे परे होता है। पुनर्जन्म इस नकली अंकुर जैसे अहंकार का होता है, इस कारण बौद्ध इसका इनकार करते हैं। वर्तमान अज्ञान अवस्था चेतन यानी आत्मा का अचेतन शरीर से तादात्म्य करने के कारण उत्पन्न हुई है। साधक फिर प्रश्न पूछता है, क्या हम अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग नहीं जाते? महर्षि रमण, स्वर्ग वर्तमान अस्तित्व जितना ही सत्य है, लेकिन यदि हम कौन हैं इसकी गणवेंसना करके आत्मा को जान लें तो स्वर्ग के विषय में सोचने की क्या आवश्यकता है?
साधक फिर प्रश्न करता है, मुझे पुनर्जन्म से बचने का प्रयत्न करना चाहिए या नहीं? हाँ, यह ढूंढ निकालिए कि किसका जन्म हुआ है और कौन वर्तमान अस्तित्व से परेशान हो रहा है। गहरी नींद में आप वर्तमान अस्तित्व एवं पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं क्या? इसलिए ढूंढ निकालिए कि वर्तमान में ये सब प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होते हैं और उसी जगह आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। आपको तब मालूम होगा कि जन्म वर्तमान परेशानी और दुख नहीं है, आत्मा स्वरूप है, अतः सब कुछ आनंद है। इस समय भी हम जन्म रहित हैं तो उससे उत्पन्न हुए दुखों के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए?